मैं स्वागत करती हूँ इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ आज के हम इस सेशन में हमारा सेशन का सब्जेक्ट ये है हाउ टू प्रिपेयर फॉर थर्ड वे ऑफ कोविड तो इस कोविड जैसे थर्ड वेव आ रहा है तो थर्ड वेव में हम हमारे बच्चों के साथ साथ हम हमारे अपने आप को इसमें हमारी कंप्लीट पूरी फैमिली बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी किस तरह से प्रोटेक्ट करे किस तरह से उन प्रिवेंट तो लेवल पे काम करे और किस तरह से अपने आप को सेफ रखे और वो आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेदा के माध्यम से किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें यही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आशीष गायकवाड़ जुड़े हुए हैं कि बच्चों की किस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना है अपने बड़ों के इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से पुष्ट करना है ये आज हमें आयुर्वेदा के माध्यम से कैसे करना है ये हमें आज समझाएंगे और बताएंगे तो डॉक्टर आशीष गायकवाड़ एक नाड़ी पंच पंचकर्मा सेंटर के कंसल्टेंट है जो लास्ट सेवेंटीन ईयर्स से इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं और इनके सेंटर्स वसई दादर यहाँ पे हैं। डॉक्टर आशीष गायकवाड़ नेशनल एक्सीलेंस uh, से 2008 अवार्ड से सम्मानित है डॉक्टर 2018 में भी सोसाइटी नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इनको दिया गया था और और भी जानकारी अगर इनके बारे में आपको जाननी है तो kanakwith.com पे आप विजिट कीजिए तो आज ये सेशन में डॉक्टर आशीष गायकवाड़ को बोलनी कि आप स्टार्ट कीजिए और डॉक्टर आशीष गायकवाड़ प्लीज थैंक यू इंट्रोडक्शन तो हम uh... इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा और ज्यादा इंट्रोडक्शन अगर देखना है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए एवरी वन देयर सबके इंट्रोडक्शन हमें मिल जाते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली वी आर कंडक्टिंग अ ड्राइव इस ड्राइव का नाम है माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि अभी ये सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में आई थिंक हम सभी को हम हमें खुद का अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमें अपने फैमिली का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इन सच सिचुएशन जब हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने फैमिली का ध्यान रखना है हमें अपने बारे में ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किससे ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ विच वायरस तो वायरस का स्ट्रक्चर क्या है वायरस अगर इन्फेक्शन देता है तो उसके सिम्टम्स क्या है आई थिंक पिछले दो सालों में एवरी वन इज नोन वट इज गोइंग ऑन सराउंडिंग अस सिम्टम्स क्या है किस तरीके से हमने 2019 से लेके 2020 कैसे निकाला 2020 से लेके अब 2021 हम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं एवरी वन नो दैट किस तरीके से इंडिया की हमारे भारत की जीडीपी किस तरीके से नीचे आई है किस तरीके से लोग बेघर हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं? करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पे जो पुण्य का काम करना होता है उन सब लोगों ने वहाँ पे पुण्य का काम भी किया है हमने एक दूसरे को बहुत मदद की है एंड ह्यूमैनिटी जो इस पेंडेमिक समय में हमने एक दूसरे की मदद करके ये ह्यूमैनिटी यहाँ पे दिखाई है आज जरूरत है कि हम लोग स्ट्रक्चरल अपने हिस, अपने लिए खुद के लिए अब तैयार हो क्योंकि जिस तरीके से पैंडेमिक टर्न हो रहा है जिस तरीके से पेंडेमिक चेंज हो रहा है वायरस खुद को म्यूट म्यूटेट कर रहा है और नए वायरस का स्वरूप दे रहा है व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय द म्यूटेशन म्यूटेशन वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें वायरस इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करता है और अपना रूप बदलता है इसमें वो अपने स्पाइक को चेंज कर सकता है अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस को ये समझ लीजिए कि एक बंदर से एक इंसान बनने में जो ग्रोथ या जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो बिहेवियर पैटर्न जो बैटल हम लोगों ने फेस किया है वही अब ये वायरस कर रहा है तो ये अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है खुद को कि वो खुद को सर्वाइव कर पाए तो वो अपने हिसाब से खुद को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है और हम में उससे धोखा है अपाय है इसलिए हम उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें सब चीजों में मैं पीपीटी के माध्यम से ये सब चीजें आपको बताना चाहूंगा तो लेट गोज टू पीपीटी आप लोगों को uh, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ क्या आप लोगों को ये दिख रही है yes. हमने आज का अपना टॉपिक ही रखा है गेट प्रिपेयर फॉर थर्ड वेव ऑफ कोविड इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी इम्यूनिटी ये वर्ड हमारे लिए कोई नया नहीं है वी ऑल नो वॉट इज मीन बाई इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता जो अपने आप हमारे लिए नेचुरली क्रिएट होती है एंटीबॉडीज नेचुरली क्रिएट होती है और ये एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडी होते हैं उन इंफेक्शन को खत्म करती है हमारे बॉडी में से और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो सिम्टम्स हमें पता चलते हैं जैसे कि बुखार आना सर्दी खांसी या जो भी सिम्टम वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं वो सिम्टम्स देने के बाद में जब एंटीबॉडीज अपने आप शरीर में क्रिएट होती है तो वो उस डिसीज को उस वायरस को शरीर से निकाल देती है ये कोविड नाइनटीन पेंडेमिक जो दो हजार उन्नीस बीस में आया था वो एग्जैक्टली exactly क्या था ये कोविड नाइनटीन क्या है तो ये कोविड कोरोना वायरस होता है ये होता है, इसका मतलब है इसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इसका मीनिंग है सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू वैसे देखा जाए तो ये कोरोना वायरस की पूरी एक जमात है पूरी एक कॉलोनी है पूरी एक नंबर ऑफ कोरोना वायरसेस आर देयर लेकिन इनमें से ये एक कोरोना वायरस है जो एक प्रजाति है इसे सार्स सीओवी टू यानी कि सार्स कोविड टू कहा जाता है एंड पर्टिकुलरली ये सार्स कम्युनिटी जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करती है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करने के बाद में सबसे पहले लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड होता है अब अगर वायरल इन्फेक्शन अगर देखा जाए तो वो कौन कौन से तरीकों से हमारे शरीर में जाता है ये हम सबको पता है इसलिए हम मास्क यूज करते हैं या हम बार बार हाथ धोते हैं हाइजीन जो है वो हाइजीन हम मेंटेन करते हैं इस पेंडेमिक में ये कोरोना वायरस जो है ये हमने अब तक देखा कि किस तरीके से अलग अलग नामों से अलग अलग वेरिएशंस में हमें देखने को मिला अल्फा बीटा गैमा डेल्टा अब डेल्टा प्लस जो अलग-अलग जगह पे फोर वायरसेस हमें दिखाई दिए ये अभी म्यूटेड वायरस डेल्टा का एक नया टाइप डेल्टा प्लस आया हुआ है तो ये कोरोना वायरस होता क्या है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर हम अपने शत्रु को अपने एनिमी को अगर अच्छे से जान ले पहचान ले तो हम समझ पाएंगे कि उसको किस तरीके से उसका विनाश करना है उसको खत्म किस तरीके से करना है स्ट्रेटेजी है तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको जानना जरूरी है ये कोरोना वायरस पर्टिकुलरली एक प्रोटीन सैक है जिसके ऊपर प्रोटीन स्पाइक है और जिसके अंदर आरएनए है ये वायरस है ये वायरस आरएनए इनक्लूड करता है जब वो डीएनए है तो हमारे शरीर में गुणसूत्र यानी डीएनए होते हैं और इनके जो वायरसेस होते हैं वो आरएनए से बने होते हैं ये जो इनवलप बना होता है या इसमें से जो मेम्ब्रेन बनी होती है जो सैक बना होता है वो प्रोटीन का होता है तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि अगर एक्सेस ऑफ प्रोटीन अगर हमारे शरीर में है या ये कौन से टाइप का प्रोटीन है जिसकी वजह से ये कोविड खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है क्योंकि आरएनए सिर्फ उनके पॉइंट्स दे सकता है आरएनए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकता है लेकिन उसको एक मीडियम की जरूरत होती है और कुछ मटेरियल की जरूरत होती है ये मीडियम होता है हमारा शरीर हमारे शरीर की कोशिकाएं और ये मटेरियल होता है प्रोटीन्स तो ये प्रोटीन्स भी हमारे शरीर से ही एक्वायर करता है अब अगर हम ये कहें कि प्रोटीन अगर ज्यादा अमाउंट में अगर ना हम ले या अवॉइड करें तो कौन सा वाला प्रोटीन हमने अवॉइड करना चाहिए और कौन सा वाला प्रोटीन हमने लेना चाहिए तो स्पेसिफिकली आयुर्वेद में एक व्याख्या है समाने न समाने वृद्धि यानी समान चीजों से समान चीजों की वृद्धि होती है अगर हम कहते हैं समान चीजों से समान चीजों की वृद्धि होती है तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रोटीन का इंटेक और वो भी कौन से प्रोटीन का स्पाइक प्रोटीन जहां पे यूटिलाइज होते हैं या जिससे स्पाइक प्रोटीन मिलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक यानी यस स्पाइक यस प्रोटीन जो है उसका इंटेक हमें कम करना चाहिए अब इस टाइप के यस प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं तो उसको कैलकुलेटिवली अगर देखा जाए तो नॉनवेज से प्रॉन्स से या फिर ऐसी चीजें जो मांस से मांस की वृद्धि कर रहा है तो इसलिए मांस से तो हमें इस समय पे जहाँ पे वायरल इंफेक्शन ज्यादा है ऐसे समय पे नॉनवेज को यूटिलाइजेशन कम करना चाहिए या फिर जो नॉनवेज आप खा रहे हो वो बनाने के बाद में तीन घंटे के अंदर कंजम्प होना चाहिए या फिर अगर वो प्राणी यानी कि अगर चिकन है यानी मुर्गी है या फिर हम प्रॉन्स है अगर जल्दी से जल्दी उनका कंजम्पशन होता है उसको स्टोर करके ना रखें कंजम्पशन उसका जल्दी से जल्दी हो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की जब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक प्रोटीन स्पाइक की बात कर रहे हैं ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक इन चीजों को मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ और बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड चीज मैं आपको उसके बाद में भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस स्पाइक को कोट कर सकते हैं अगर ये स्पाइक कोट हो जाएगा तो ये हमारे शरीर के मेम्ब्रेन में अटैच ही नहीं हो पाएगा स्पेसिफिकली जब ये कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंटर होता है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच होता है वहां से जहां पे रिसेप्टर एक्सेप्टर होते हैं तो ये है रिसेप्टर और वो जो दूसरा है वो एक्सेप्टर जो हमारे कोशिकाओं के ऊपर होता है यहाँ से ये रिसेप्टर एक्सेप्टर एक साथ मिलने की वजह से ये वायरस हमारे शरीर में कोशिकाओं में एंटर हो सकता है जब वो वहां पे एंटर हो जाता है तो वहां पे ये अपना मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू करता है लेकिन अगर हम इस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक को अगर कोट कर दें या इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों को अटैच कर दे ताकि ये म्यूकस पे अटैच ही ना हो पाए तो जनरली रिसर्चर इस तरीके से सोचते हैं कि अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो ये मेडिसिन कौन सा मेडिसिन ऐसा होगा जो इसको कोट कर पाए यानी कि इसका पैरालाइज्ड कर पाए या वायरस को पैरालाइज्ड कर पाए या कहेंगे कि वायरस हमारे शरीर में लंग्स में न जाते हुए वो इंटेस्टाइन थ्रू बाहर निकल जाए

तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि ये एयर बॉन्ड डिसीज है या ये एयर से ट्रांसमिट हो सकता है जैसे मैंने कहा था कि कोरोना वायरस किस तरीके से अटैच होता है तो दिस इज वन इमेज विच इंडिकेटिंग कि इन्फेक्टेड होस्ट सेल क्या है ये वायरस किस तरीके से अटैच होता है जब ये शरीर में जाता है तो ये जो वायरस ये जो दिख रहा है कर्सर दिख रहा है आप लोगों को नहीं सर दिख रहा ओके okay. तो ये कर्सर जो है तो ये कर्सर मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो विच इज द वायरस इंजेक्ट आरएनए इनटू द सेल तो ये जो आरएनए यहाँ पे जा रहा है ये यहाँ पे सेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है ओके okay. जब हम इस चीज को स्टडी uh, करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद द लंग्स तो अब तक की जो मान्यताएं थी उसमें ये बताया जा रहा था कि कोविड 19 में जो हमारे एलविवोलाय है जो हमारे लंग्स का सबसे छोटी कोशिकाएं हैं उसके अंदर कफ क्रिएट हो जाता है जो कफ है खुद के प्रोटेक्शन के लिए यूटिलाइजेशन में आता है और वहां की जगह जो स्टिकी मटेरियल से यानी कफ से जब भर जाती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से निमोनिया जैसी सदृश लक्षणें दिखना शुरू होता है लेकिन फिलहाल बिफोर अ वीक ये एक रिसर्च uh, में पता चला है कि यहाँ पे कफ न क्रिएट होते हुए यहाँ पे स्पाइक से ले स्पाइक के ऊपर यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में गया है वहां के ये म्यूकस मेम्ब्रेन में जो वायरस बैठा हुआ है वहाँ स्पाइक से अटैच बाकी जो कोशिकाएं हैं ये अटैच होके गुठलीनुमा चीज क्रिएट करती है और जब ये गैदर गैदरेशन हो जाता है तो उस अवरोध की वजह से यहाँ पे हमें निमोनिया सदृश लक्षण एक्सरे में पता चलते हैं तो यहाँ पे अब ये डायलिमा सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि किस चीज को सही माना जाए क्योंकि ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां पे निमोनिया सदृश लक्षण पता चली है जिसमें एक्सरे में लंग्स फिलअप ऑफ वाटर या स्टिकी मटेरियल पता चला है अब ये सब चीजें और ये सब uh, ब्योरा या ये सब एक पिक्चर हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम इसके अपोजिट गुण वाले चीजों का यूटिलाइजेशन हम अपने दिनचर्या में करने वाले हैं गुरु गुरुवादी गुण चिकित्सा ये एक सिद्धांत है आयुर्वेदा में अगर कोई भी चीज यानी कि लघु है तो उसका उपाय करना है तो गुरु चीज का यूटिलाइजेशन करना होगा अगर तीखी चीज है तो उस, उसके ऊपर मात करनी है तो उसका ऑप्शन क्या होता है खट्टी चीज यानी अपोजिट गुण वाले अगर चीजें हम यूटिलाइज करते हैं तो हमें चिकित्सा पद्धति जिसे कहते हैं उसे गुरुवादी गुण चिकित्सा है और हमें उससे निजात मिल सकती है सिम्टम्स कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के क्या होते हैं ये हमें अब सबको रट चुका है सबको भी पता है कि फीवर होता है फटिक होता है कफ होता है और अब आजकल तो कुछ ऐसे भी सिम्टम्स है कि फटिक के बाद में आपको इतनी भी चीजें पता नहीं चलती एंड डायरेक्टली पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाता है किडनीज डिस्फंक्शनिंग वाइटल ऑर्गन डिस्फंक्शनिंग ये अब ज्यादा देखने में आ रहा है स्पेसिफिकली इस इन्फेक्शन की वजह से जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है या जो लोगों को कोमोर्बिडिटी यानी कि डायबिटीज अर्थराइटिस ब्लड शुगर हाई ब्लड प्रेशर या फिर कोमोर्बिडिटीज में जितनी भी डिसीजेस आते हैं वो डिसीजेस हैं तो वो डिसीजेस और ज्यादा बढ़ने लगते हैं इवन इफ इतना ही नहीं तो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है उनकी ट्रीटमेंट करते समय या उनकी ट्रीटमेंट के बाद उनको डायबिटीज हुआ है ऐसे देखने में आया है तो पर्टिकुलरली ये वायरल इंफेक्शन जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो जो पेशेंट्स इससे सफर हुए हैं या जिनका ट्रीटमेंट होने के बाद जो पेशेंट्स uh, रिकवर हुए हैं उन पेशेंट्स में ज्यादातर पेशेंट्स में हमें डायबिटीज के सिम्टम्स देखने के लिए मिले हैं कोविड को किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है वी नो दैट Uh, स्वैप टेस्ट है और स्वैप टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि आपको कोविड है या नहीं है देखिए यहाँ पे स्वैप टेस्ट पहले ये समझ में आता था या ये बताया जाता था कि भाई कोविड आपके नेजल पोर्शन में नहीं है लेकिन धीरे धीरे ये प्रूव होने लगा है कि कोविड लगभग चार दिनों तक आपके नेजल कैविटी में रहता है और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है तो देखिए हमें यहाँ पे अब पता चल चुका है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक ये जो दो हिस्सों में विभक्त है इसमें से पहला पोर्शन जो है वो है सबसे अपर पोर्शन विच इज ने कैविटी फेरिंग्स एंड लैरिंग्स और जो नीचे वाला पोर्शन है लोअर यानी कि प्राइमरी एंड लंग्स तो इसमें से हमें जो ट्रीटमेंट करनी है या हमें जो होम रेमेडीज यूटिलाइजेशन करना है ये अपर पोर्शन एज वेल एज लोअर पोर्शन ये दोनों जगह पे हम कर सकते हैं इसमें ट्रीटमेंट की तरफ हम एक रुख करेंगे आप लोगों में से सबको पता है कि अभी फिलहाल कोविड के लिए जिस तरीके से हमने कोविड की फर्स्ट लेयर फर्स्ट वेव को भी फेस किया जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स बेअसर हुए उसके बाद हमने देखा कि हमें ऑक्सीजन की किल्लत आई अब थर्ड वेव जो आने वाली है तो उसके अंदर क्या होगा वी डोंट नो इट इज़ नॉट प्रशन हो भी नहीं सकता फर्स्ट वेव जो थी उसमें हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं थे और ना ही वैक्सीन था सेकेंड वेव जब आई तब हमारे पास हमने डिफरेंट ऑप्शन मेडिसिन के ट्राई किए लेकिन डब्ल्यू एच ओ ने सभी प्लाज्मा uh, थेरेपी तक को खारिज कर दिया वैक्सीन्स जो है इसे परमिशन इसलिए मिली है क्योंकि हम फिलहाल इमरजेंसी बेसिस पे जो पेक्स ले रहे हैं तो इसलिए परमिशन मिली है क्योंकि वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। तो शायद इससे हम लोग बच पाए या कम से कम डेथ uh, रेट हो इसलिए हम वैक्सीन को यूटिलाइज कर रहे हैं अदरवाइज वैक्सीन का एक uh, पूरा ढांचा क्रिएट होने के लिए और प्रूव होने के लिए साइंटिफिकली प्रूव होने के लिए लगभग समय पांच से दस साल का होता है बट फिर भी अब ये सब करते हुए एक चीज जो नोटिस करने लायक है कि हर बार डब्ल्यू एच ने एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है जो भलाई सबसे लास्ट में दिया हो कि आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचा सकती है और वो इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी आप खुद डेवलप कर सकते हैं अगर नहीं है तो और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है एज के 16 साल तक जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला या अपने आप बढ़ने वाला जो पीरियड है उसको अगर हम डिजाइन प्रॉपरली करते हैं या फिर नरिश प्रॉपरली करते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं यानी कि आज भी जब सेकेंड वेव हो गई है उसके बाद थर्ड वेव का हमारे सामने आके वो धोखा अभी आके खड़ा है संकट खड़ा है ऐसे सिचुएशन में हमारे हाथ में जो चीज है हमने वैक्सीन भी ले लिया है हमने अलग अलग एंटीबायोटिक भी ट्राई कर लिए हैं, लेकिन हमने जो अच्छे से इस पूरे पेंडेमिक में जो इंडिया में जो ट्राई हुआ है वो है होम रेमेडीज और जिसका बेनिफिट भी डेफिनेटली हुआ है इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के जो उपाय है उसके तरफ हम अब बढ़ना शुरू करेंगे ये हमने पूरा ब्यौरा इसलिए यहाँ पे दिया है क्योंकि पहले तो वायरस का स्ट्रक्चर हमने देखा क्योंकि वायरस का स्ट्रक्चर जानना जरूरी था क्योंकि उसके ऊपर ही हम होम रेमेडीज के ऊपर अटैक करेंगे कि क्या होम रेमेडीज होनी चाहिए दूसरी चीज हमने ये देखा कि अब तक हमने क्या क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए और क्या इजी है जो हमें बचा सकता है इम्यूनिटी कम होने की सिम्टम्स कौन कौन से सॉरी ये पीपीटी मराठी में बना हुआ था तो आ, लेकिन इमेजेस से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बालों का झड़ना या स्कार जल्दी इतना फिलअप होना फटी सर में दर्द रहना बार बार छीके आना हीमोग्लोबिन का कम होना पेट में हमेशा दर्द रहना शरीर में रैशेस ज्यादा देखने के लिए मिलना अपने आप जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाना दीज आर सिम्टम्स एज वेल एज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कोविड आयुष ने जिस तरीके से अलग अलग चीजों को बताया है वी ऑल नो दैट किस तरीके से मेडिसिन कौन कौन से मेडिसिन यूटिलाइज कर सकते हैं इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है अब हमारे हाथ में जो इम्यूनिटी है वो कौन सी इम्यूनिटी है उसको हम पर्टिकुलरली बढ़ाना शुरू करेंगे विच इज अक्वायर इम्यूनिटी जिसे कहते हैं इम्यूनिटी में जो होती है वैक्सीन है मेडिसिन है, नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि हम एंटीबॉडीज हमारी अपने आप क्रिएट होती है ऐसी एक जो प्रोसीजर है जिसे हम नेचुरल इम्यूनिटी इंक्रीज करने की जो पूरी प्रोसीजर जैसे कि अलग अलग इम्युनाइजेशन जैसे सुवर्ण प्राशन है कनक प्राशन है अलग अलग प्रोग्राम्स हैं आयुर्वेद में दिए गए हैं तो डेफिनेटली और होम रेमेडीज है दिनचर्या है तो उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डबल स्ट्रेटेजी टू फाइट विद कोरोना वायरस ये एक हेडलाइन यहाँ पे एक टाइटल दिया है लेट आई एक्सप्लेन यू वेन वी आर सी डबल स्ट्रैटेजी टू फाइट विद कोरोना वायरस इसका मतलब यह है कि जो रेस्पाय ट्रैक के दो हिस्से हैं, उन दोनों हिस्सों की तरफ हम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे कि, कि किस तरीके से वायरस को पहले पैरलाइज किया जाए उसके बाद में उसको बेअसर किया जाए जैसे कि हमने देखा कि नेजल कैविटी में से स्वैब लिया जाता है तो ये वो पोर्शन है जहां पे जनरली हम देखते हैं कि चार दिनों तक ये वायरल इन्फेक्शन होता है ये हमने इमेज देख ली थी तो स्पेसिफिकली अगर हमें कोरोना का जो संभाव्य धोखा है वो अगर अवॉइड करना है तो छोटे बच्चे और बूढ़े लोग ये दिन में कम से कम एक बार स्टीम ले क्योंकि वो बाहर जाते नहीं है अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वो दिन में से दो से तीन बार स्टीम ले जॉब के लिए जाने वाले लोग कम से दिन दिन में कम से कम दो बार स्टीम ले और कोरोना के संपर्क में रहने वाले या फिर जॉब के लिए बाहर जाने वाले और कोरोना के संपर्क में रहने वाले या कोविड पॉजिटिव होके घर पे आए हुए लोग हैं तो वो दिन में से दिन में हर तीन तीन या चार चार घंटे के बाद में स्टीम ले अब ये स्टीम स्पेसिफिकली इन चीजों से ले अगर आप इसमें से यष्टि मधु नीम कपूर लवंग दालचीनी लेंडी इसका अगर यूटिलाइजेशन करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को कोट कर सकते हैं वॉट एग्जैक्टली द मेडिसिन विच इज कोट अगर हमने फिलहाल जो एक मेडिसिन डी नाम का एक मेडिसिन आया हुआ है जिसका केमिकल कॉम्बिनेशन अगर हम चेक करें तो वो सेम केमिकल कॉम्बिनेशन है जो यष्टि मधु क्लो और कुरकुमिन कॉम्बिनेशन में अगर क्रिएट करते हैं तो वो हमें केमिकल फॉर्मुलेशन मिलेगा यू कैन डू गूगल सर्च जिसमें आप केमिकल फॉर यानी कि अगर उसका देखते हैं तो सेम केमिकल फॉर्मुलेशन आपको या केमिकल uh, फॉर्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा केमिकल स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा

तो इसमें से जो क्लिसरिजिन नाम का जो कंटेंट है ये कंटेंट रिड्यूस करता है रिप्लीकेशन ऑफ वायरस को एबिलिटी ऑफ पेनेट्रेशन को और उसकी रिप्लीकेशन को यहाँ पे खारिज करता है इवन इफ जो वायरस है उसको पैरालाइज़्ड करने का काम यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे मैंने एक नीचे लिंक दिया हुआ है इसके डिटेल जो आ, मटेरियल है ये आपको इस लिंक पे मिल सकता है आई विल शेयर द लिंक आफ्टर दिस सेशन तो सिर्फ ये एक मटेरियल नहीं है देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन यूज एंड इट हैव अ मिरेक मिरेकल क्रिएट करने वाले ऐसे केमिकल फॉर्मूलेशनस हैं जो हम वायरल इन्फेक्शन को घर में ही डाल सकते हैं कौन-कौन सी होम रेमेडीज हैं जो हमें वीक इम्यूनिटी अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा तो मूकोजल इम्यूनिटी जो है वो उसको इंक्रीज करने के लिए कम से कम ये जो 0.2 मिलीग्राम विटामिन सी का इंटेक होना चाहिए लेकिन अगर हमारे यहाँ पे नेचुरल चीज़ें अगर मिल रही है तो वाई शुड वी डिपेंड ऑन द न्यूट्रासटिकल ड्रग्स और मेडिसिन अगर हम लोग इतनी अमाउंट में लेना चाहते हैं तो आई थिंक सो गवा ले लीजिए मौसम्बी ले लीजिए लेमन लेजिए या फिर पीच ले लीजिए तो आपको वो 0.2 मिलीग्राम विटामिन सी इसमें से आराम से मिल जाएगा अगर हम होम रेमिडीज के बारे में कहें कि इम्यूनिटी को इम्यून सिस्टम को और ज्यादा हम म्यूकोजल इम्यूनिटी पर्टिकुलरली क्यू म्यूकोजल इम्यूनिटी बिकॉज आपकी इम्यूनिटी आपकी म्यूकोजल इम्यूनिटी अगर बढ़ती है तो पेट्रेशन जो होता है या जो म्यूकस में अटैचमेंट होता है वायरस का ये अटैचमेंट वहां पे होगा ही नहीं 0.2 मिलीग्राम विटामिन सी अगर आप एवरीडे एक कुकुम्बर या फिर चार टमाटर खाते हैं तो उसमें से इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप आ, सुबह के नाश्ते में अगर एक कुकुम्बर खा लेते हैं तो इट इज मच मोर एंड इनफ इनटेक ऑफ 0.2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। अगर आयुर्वेदिक काढ़ा जिसमें अश्वगंधा जिंजर ब्लैकनेशन अगर दो बार लेते हैं तो इट इज मच मोर देन इनफ टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन जल नीति यौगिक क्रियाएं करने से पहले हम लोग जल नीति का यूटिलाईजेशन करते थे ताकि मल वहां से निष्कासित किया जाए लेकिन यही जल में अगर हम लोग यूज आ, सेंधा नमक यूज करें या फिर यष्टि मधु का काढ़ा यूज करें, तो हम यहाँ पे भी कोरोना वायरस का इंफेक्शन इजीली टाल सकते हैं जल ऐसी प्रोसीजर है जो एनीवन कैन डू एनी टाइम कैन डू एंड इट इज एडवाइजेबल टू डू इन द मॉर्निंग टाइम जब आप मॉर्निंग uh, में उठते हैं सूची शुद्धि करते हैं तो उस समय प्राणायाम या फिर आसन आदि uh, व्यायाम करने से पहले अपने नेजल म्यूकोसा को क्लीन कर ले अगर नेजल म्यूकोसा को क्लीन करने के लिए जैसे हमने अलग अलग चीजें देखी इंटरनल इम्यूनिटी म्यूकोसल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैसे ही यष्टि मधु के चूर्ण का अगर काढ़ा हम जल नीति के लिए यूज करते हैं तो वो हमें नेजल कैविटी के क्लीनिंग के साथ साथ वहां पे वायरल इन्फेक्शन के चांसेस को कम करता है आपको बेनिफिट प्राणायाम के सब लोगों को पता ही है कि वो ब्रीदिंग इंप्रूव करता है वैसे ही इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है स्पेसिफिकली इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको एनहांस करते हैं बढ़ाते हैं तो आउटर जो इन्फेक्शन होता है जिसे आयुर्वेद में भूतादि कहा गया है भूत यानी कि जो सूक्ष्म जीव है जो शरीर को अपाय करते हैं ऐसे जीवों को हमेशा बाहर फेंकता है और हमारे शरीर में वो रोग प्रतीक्षा को क्रिएट करने का काम जो है ये अलग अलग चीजें क्लेंजिंग का काम जो है ये अलग अलग चीजें हमेशा करती है आयुर्वेदिक हर्बल कॉम्प कंपोजिशन में ये दो कंपोजिशन ऐसे हैं जो जिनको कफ है या जिनको हमेशा सर ये बारिश का सीजन चल रहा है तो इसमें हरदम ये एक लगा रहता है कि मुझे खांसी हुई है तो कहीं कोरोना तो नहीं है लेकिन यू कैन कीप कनक आसव सिरप यू अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे खांसी हो रही है तो है टू टी स्पून ऑफ कनक आसव अ हॉट वाटर या फिर कफक उठार जो आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए आपको सूट करता है नहीं करता है वो चेक करने के लिए जो ऑप्टोमाइज करे आपको राइस तो you know है ब्रेड है बनाना है ये आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा और स्वीट पोटैटो है कोटमिल है नट्स है या गार्लिक है ये आपके ब्लड शुगर को ऑप्टोमाइज करेगा तो बेटर है कि इस Uh, समय पे इन चीजों का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो जो ऑप्टिमाइज़ करे ना कि स्पाइक करे सो देर आर फ्यू प्रोग्राम्स बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी हर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते हैं सो केपी टू इज ऑल्सो वन ऑफ दर प्रोग्राम इसके अलावा देर आर सो मेनी डाइट्स विच यू कैन फॉलो Uh, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का यूटिलाइजेशन आप अपने रोज के खाने में करें अगर वाइट पम्पकिन का यूटिलाइजेशन, अगर आप उसके जूस का यूटिलाइजेशन एवरी मॉर्निंग अगर आप पीने के लिए करते हैं तो विच इज अ वेरी गुड क्लिनजर ऑल्सो तो मेन चीज ये है कि अगर हम अपने दिनचर्या में सबसे पहला समय प्रातः काल अगर मैनेज कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन फिर इजीली कवर अप हो सकता है तो ये सब चीजें अगर हम अपने दिनचर्या में ले आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कोविड के जो सिम्टम्स है या कोविड की जो टांगती तलवार हमारे सर के ऊपर है वो इतना ज्यादा हार्म हमें कर पाएगी कुछ ना कुछ हद तक तो डेफिनेटली करेगी लेकिन फिर भी अगर हम अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो शायद यहां पे हम हॉस्पिटलाइजेशन और वो जो हॉस्पिटल के चक्कर होते हैं उससे बच पाएंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर आपका जो आपने जो अभी उसके लिए आशा करती हूँ कि हम सब इस सारी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और थर्ड वेव के लिए रेडी रहेंगे कि इसके? आएगा तो भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे थर्ड वेव से अपने आप अपने आप को